सो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि इनो वाटर और जनरल वाटर में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों, तो बिना किसी देरी के चलिए हम स्टार्ट करते हैं और हम अपना एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के एक्सपेरिमेंट में हमें देखिए दो ग्लास की ज़रूरत पड़ेगा, जिसमें कि हमें इनो वाटर और एक जनरल वाटर रखेंगे। और दूसरा दोस्तों, हमें एक इनो की ज़रूरत पड़ेगी। और तीसरा है दोस्तों, बिस्किट। और दोस्तों चलिए, तो हम ग्लास में पानी डाल लेते हैं, उसके बाद हम इसमें दिखाएंगे आपको इनो डाल के डिफरेंस सारा। तो दोस्तों, हमने यहाँ ये कल वाला जो जनरल पानी होता है, वो पानी हम जनरल पानी डाल चुके हैं दोनों ग्लास में। अब हम इनो डाल के देखते हैं, उसके बाद हम आगे देखेंगे कि क्या क्या होता है। तो चलिए हम इनो डाल लेते हैं। दोस्तों ये थोड़ा फैन बना रहा है, इसको देखते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम देखिए इनो वाटर डाले हैं और ये जनरल वाटर है। तो चलिए अब हम इसमें बिस्कुट डालकर देखते हैं कि ये क्या क्या इसमें होता है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले डालेंगे जनरल वाटर में। अब देख सकते हैं दोस्तों कि जनरल वाटर में हम बिस्कुट डालें तो इसमें धीरे धीरे ये डाउन नीचे जा रहा है। चलिए अब हम इनो वाटर में डालकर देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इनो वाटर में डालने के बाद ये बिस्किट ना ऊपर जा रहा है, नीचे ये अस्टेबल हो गया है, वहीं पर अटका हुआ है। लेकिन जनरल वाटर में जब हम बिस्कुट को डालें तो वो पानी के अंदर डूब गया। तो दोस्तों चलिए हम इसको घोल कर देखते हैं कि ये पहले क्या होता है। इसको चलिए हम घोलते हैं। अब हम इसको देखते हैं घोल कर कि ये क्या होता है। पहले इसको तोड़ देते हैं। दोस्तों ये तो आराम से भी टूट भी नहीं रहा, जनरल बटन का तो आराम से टूट गया। अब देख सकते हैं दोस्तों दोनों में डिफरेंस। इनो वाटर में देखिए दोस्तों, ये पूरा बिस्किट ऊपर आ गया है और ये जनरल वाटर में सारा का सारा बिस्कुट बैठ गया है नीचे, देख सकते हैं आप। फिर भी देखिए दोस्तों, कितनों भी हम इसको घोल रहे हैं, लेकिन इनो वाटर में जो बिस्कुट है ये बार बार ऊपर आ रहा है और ये जनरल वाटर में जो बिस्कुट है ये बार बार घोलने के बाद ये नीचे बैठ रहा है। तो दोस्तों, इसका कारण ये है कि दोस्तों जो जनरल वाटर में हम बिस्कुट डाले हैं, इसमें बिस्कुट का डेंसिटी पानी का डेंसिटी से ज़्यादा है, इसलिए बिस्कुट इसमें डूब गया। जब इनो वाटर ये जनरल वाटर में जब हम इनो मिलाएं तो इसका डेंसिटी बिस्कुट का डेंसिटी से ज़्यादा हो गया है, इसलिए इसमें बिस्कुट ऊपर आ गया और पानी नीचे है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको दिखाया कि इनो वाटर और जनरल वाटर में क्या डिफरेंस था और इसका क्या कारण है दोस्तों, वो भी हमने आपको बता दिया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक, जय हिंद।